नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की समकालीन भारत के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो इसमें आपके 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, ये आपका चौथा चैप्टर है। इसमें बात करेंगे भारत की जलवायु के बारे में। याद रखिए, जो आपकी कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक की बुक्स हम लोगों ने देखी, वो एक बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई थी, बहुत ही नॉर्मल थी। आपने देखा होगा कि शब्द की परिभाषा बताने के लिए कितनी कहानी बताई जाती थी हमें। लेकिन कक्षा 9वीं से जो 12वीं तक की बुक्स हैं, ये हमारे लिए मेन बुक्स हैं, इसलिए इनमें आपको अच्छे से दिमाग लगाना है, ठीक है? तो चलिए हम लोग जलवायु जानते हैं भारत की। पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृतियों और अपवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व यही हैं। कौन कौन से? स्थलाकृति और अपवाह। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व यानी कि हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म अथवा असुविधाजनक क्यों होता है, या फिर जून जुलाई में वर्षा क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। इससे यानी कि इस अध्याय में हम लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि यानी कि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं का तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाता है। क्या जलवायु किसे कहते हैं? एक विशाल क्षेत्र में लंबी समावधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का योग आपका जलवायु है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे आपके तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में ही कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक ही समान बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या फिर ठंडे, हवादार या फिर शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म या फिर शीत या फिर वर्षा ऋतु में विभाजित किया गया है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मानसून शब्द की व्युत्पत्ति। तो याद रखिए, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति आपकी अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, आपका मानसून है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। इस तरह के पॉइंट आपको याद रखना है, फिर चाहे आप लोग नोट कर सकते हो। भारत की जलवायु क्या कहते हैं? मानसूनी जलवायु। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्यतः पीति रूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। आइए हम 2 महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता है। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है, जबकि आपका जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 सेंटीमीटर रहता है। एक ही समय पर आपका राजस्थान में गर्मियों में 50 सेंटीमीटर तक तापमान पहुंच जाते हैं, वहीं आपका जम्मू कश्मीर में लगभग 20 सेंटीमीटर रहता है, या सेल्सियस, सॉरी सेल्सियस, सेंटीमीटर कहाँ यहाँ यूज होगा, तो याद रखना सेल्सियस ही। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में सर्दी की
रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि त्रुवनंतपुरम में यह 22 सेंटीमीटर सॉरी सेल्सियस हो सकता है। सेंटीमीटर कहाँ से यूज हो रहा है? कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 सेंटीग्रेड तक हो सकता है, जबकि उसी रात या नीचे गिरकर 15 सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल और अंडमान निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप में रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होती है तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। क्या है? मेघालय में सबसे ज्यादा होती है, याद रखिए, और राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। जून में आपकी शुरू होती है, सितंबर तक होती रहती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या फिर ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती हैं, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती हैं। बात करते हैं जलवायु। जलवायु नियंत्रण में किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। कौन कौन से? अक्षांश, तुंगता यानी कि ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण, यही आपकी जलवायु को नियंत्रित करते हैं। इन्हीं कारकों के कारण जलवायु बदलती रहती है। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है, यानी कि जब आपका सूर्य ध्रुवों पर तिरछा होता है तो वहां तापमान कम होता है। वो विषुवत जो रेखा है आपकी, यहाँ सबसे अधिक होता है तापमान, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट सूर्य की रोशनी बढ़ती। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक नहीं होता है विषुवत रेखा पर, याद रखिए। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है, इसलिए पहाड़ियां गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है, जहाँ एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था यानी कि गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और सर्दी में बहुत अधिक ठंड होती है। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या फिर ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा में समुद्र से तट की ओर हो, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाले वायु के रास्ते को रोकने में सक्षम हो तो उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। यही कारण है कि राजस्थान में आपकी वर्षा कम होती है और मेघालय में अधिक होती है, क्योंकि आपकी सोचिए
जो वायु बादल आ रहे हो उन्हें रोकने के लिए कुछ व्यवस्था ना हो तो कहाँ बादल उड़ के चले जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। और मेघालय में पहाड़ियों से क्या होता है, टकरा की वर्षा होने लगती है। ठीक, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें हम लोग, अक्षांश, कारक रेखा, भारत देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ की रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। आपकी राज्य गुजरात से शुरू होती है, लास्ट में मिजोरम से निकल जाती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कर्क रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा कहाँ भारत की स्थिति है, तो उन्हें देख लें। ठीक, जो भी आपकी क्लासें होंगी वो सभी NCERT पूर्ण कवरेज के नाम से, जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में डाली रहती है। ठीक है, कक्षा छठवीं से लेकर चैप्टर बाय चैप्टर जितनी हम लोग खत्म करते जाएंगे, 12th तक देखनी है हमें। देश का लगभग आधा भाग कर्क रेखा के बिल्ट के दक्षिण में स्थित है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। याद रखना, कर्क रेखा बिल्ट के दक्षिण में जो क्षेत्र है उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क बिल्ट के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है, इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं होती हैं। दक्षिण में आपका स्थित क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और जो उत्तर में हो वो आपका उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में आपका ऊंचाई भी शामिल है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय महाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। फिर आपका वायुदाब और पवन। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। वायुदाब एवं धरातलीय पवने ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवने उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती हैं और ये दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरियालिस बल के कारण दाहिने ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं एवं बहती हैं, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं के बराबर होती है। इस प्रकार भारत को सूक्ष्म शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। आइए इसे भी देखते हैं। पहले बात कर लेते हैं कोरियालिस बल आखिर क्या है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहते हैं, कोरियालिस बल। इस बल के कारण पवने उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाई ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र आद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है, क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्रों के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है और इन्हीं के कारण हमारे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ये वो अपने कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रभाव के प्रभाव में रहता है। इस प्रभाव का एक मुख्य घटक जेट धाराएं। जेट धाराएं लगभग 27 से
डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रभावित होती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आवासीय गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेट द्वारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट कहा धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रभावित होती है। यहाँ जेट धारा क्या होती है इसे भी देख लीजिए। एक सक्रिय पट्टी में स्थित जो मंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी कि 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है, उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराएं हैं। बात करते हैं पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। वे प्रवाह भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवाती मानसूनी महीने के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के भाग होते हैं एवं जेट के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में पढ़ा या सुना हुआ है? बस देख लीजिए एक बार। भारतीय उपमहाद्वीप में जनवरी महीने के दौरान मौसम की स्थिति, ये आपकी धरातीय पवन है, ये आपकी ओर पोष्ण पश्चिमी जेट पवन है। याद रखिए ये आपकी, देखिए ये आपकी विषुवत रेखा होगी, ठीक है, भारत के पास से ही गुजरती है। ये आपकी कर्क रेखा होगी जो देखिए भारत के बीचों बीच गुजर रही है, ठीक है। ये आपकी अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ये उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम ऊपर तिब्बत के पठार से गुजर रही है। धरातली पवने हो गई आपकी। ये भारतीय उपमहाद्वीप में जून महीने के दौरान मौसम की स्थिति देखिए, ये क्या है आपकी धरातली पवने, ये आपकी है यहाँ उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम और यहाँ आपकी ये जा रही है तिब्बत के ऊपर से उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम। चलते हैं आगे, भारत बात करते हैं भारतीय मानसून के बारे में। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ, क्योंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा में पर निर्भर थे। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया। आप इस तरह से ले सकते हैं, जैसे जिस तरह आपने देखा होगा साइकिल जब आंधी या तूफान चल रहा हो या हवा चल रहा हो तेज, तो उस समय आपने देखा होगा कि हवा की विपरीत विपरीत जाने में बहुत परेशानी होती है और नहीं जा सकते हैं आप लोग अगर तेज हवाएं चल रही हैं। जिस तरह हवाएं चल रही हैं आपकी, उस तरह अगर आप लोग जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से चले जाएंगे। इसी तरह उस समय आपके विदेशियों की यानी कि व्यापारियों के जहाज जिस दिशा में ये मानसून पवने चल रही होती थी उसी दिशा में वे लोग चले जाते थे, और जब मानसूनी पवन लौटती थी तो उस समय आपकी इनके जहाज होते थे जो वो वापसी आ जाते थे।
मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण हैं। स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विविधि प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग में निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि उसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंता उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्रायः विषुववृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसूनी ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर में मेडागास्कर की पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपरी ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिम जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। अंता उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। आपका अंता उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यहीं पर उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने आपस में मिलती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विषुववृत्त के लगभग समांतर होता है, लेकिन सूर्य की आवासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपरी दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष बरसों के बाद की वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिण 131 डिग्री पूर्व तथा ताहिती प्रशांत महासागर 18 डिग्री दक्षिण या फिर 149 डिग्री पश्चिम के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा कि औसत से कम अथवा विलंब से आने वाला मानसून एलनीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है आपका। यह एक गर्म समुद्री जल धारा होती है एलनीनो, ठीक है, जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 से 2 या 5 वर्षों के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन के साथ संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को क्या कहते हैं, इंसो एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। एल नीनो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो के नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है कि बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है, उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। बात करते हैं हम लोग मानसून का आगमन एवं वापसी भारत में। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं है, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से
प्रभावित होती। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। इसे मानसून विस्फोट यानी कि फटना कहते हैं। इसे मानसून पूर्व बोछारों से पृथक किया जा सकता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद यह दो भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी। अभी हम लोग मानचित्र में इसको देखेंगे तो बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के पिता सप्ताह में ये असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवने पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती है। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह से लगभग 29 जून तक होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाते हैं। पर्याप्त की मानसून की वापसी। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिण भी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। देख लीजिए एक बार वर्षा को, मानसून का आगमन देख लीजिए। देखिए सबसे पहले आपका पश्चिमी तट पर आता है यहां, ठीक है। 5 जून को 10 जून को आपका मुंबई की तरफ पहुंच रहा है, इस तरह से निकल जाता है। 15 जून को आपका गुजरात, 1 जुलाई फिर राजस्थान। इस तरह से आप देखिए कि श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर या राजस्थान तरफ 15 जुलाई तक पहुंच रहा है, 1 जुलाई 15 जुलाई तक, ठीक। और सबसे पहले 1 जून को कहां आ रहा है, आपका पश्चिमी तट पर केरल के पास। और सबसे बाद में 15 जुलाई, और क्या होता है कि सबसे पहले इस तरफ से हटना प्रारंभ करता है और सबसे लास्ट यही खत्म होता है। तो सबसे ज्यादा वर्षा इसीलिए इसी क्षेत्र में होती है, पश्चिमी तट में। और इस तरफ हम लोग बंगाल की खाड़ी वाला वाली शाखाओं की बात करें तो 5 जून को शुरू होता है। यहां आपका मेघालय शिलांग, ये आपका 1 जून को इस तरह से निकल जाता है। चीन हो गया ऊपर आपका, तिब्बत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। चलिए अब लोग बात करते हैं ऋतु में। मानसूनी जलवायु को विशेषता एक विशिष्ट मौसमी पितरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूप में भिन्नताएं होती हैं।
आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः चार ऋतुओं को पहचाना जा सकता है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्म, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल भी होता है। शीत ऋतु यानी कि ठंड का मौसम, ग्रीष्म ऋतु आपका गर्म का। बात करते हैं शीत ऋतु के बारे में। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर जनवरी तक रहती है, यानी कि उत्तर भारत में आपकी ठंड कब से शुरू होती है? मध्य नवंबर से, और ये आपकी जनवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। आपने देखा होगा मकर संक्रांति के समय कितनी ठंड होती है, वही मौसम है शीत ऋतु का। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसतन तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, चेन्नई का याद रखिए, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 सेल्सियस से 15 सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारापात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। इस ऋतु में देश के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। हिमपवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। देश के ऊपरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रभावित होती हैं। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम, पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती हैं। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पवनों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन यह रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के पैरों में ना के बराबर परिवर्तन होता है। तो ये थी आपकी शीत ऋतु। अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। सूर्य के उत्तर की ओर आवासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु रहती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के बठार का उच्च तापमान लगभग 38 सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण आपका तापमान कम होता है यहाँ प्रायद्वीपीय भारत में। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है आपका लू। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं, जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है।
कभी-कभी ये देर रात शाम तक जारी रहती। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर और हल्की वर्षा भी लाती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी आपकी होती है। इसके साथ ही प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी भी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में पर्याप्त पूर्वी मानसून वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। प्रायः इसे क्या कहते हैं? आम बरसात। याद रखना, ग्रीष्म ऋतु में अंत में कर्नाटक एवं केरल में पर्याप्त पूर्वी मानसून वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं, इसीलिए आपका आम वर्षा कहा जाता है। वर्षा ऋतु या फिर मानसून का आगमन देखते हैं। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। यह दक्षिण पूर्वी व्यापारिक व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। चूंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत वेग से चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवन पवने देश के शीर्ष भाग में लगभग एक महीने में पहुंच जाते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवन मुखी भागों में भारी वर्षा यानी कि लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिन राम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है। याद रखना, कहाँ? मासिन राम मेघालय में है आपका। यहाँ विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है। औसत वर्षा गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग कहें, मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका उत्तर या फिर दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून की गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है, तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है, तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं एवं जान एवं माल की हानि यानी कि भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी पर्याय अव्यवस्थित होता है, इसलिए कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों के लिए अव्यवस्थित कर देता है। अब यहाँ आप लोग समझिए मानसून का अंत। देखिए, मानसून का अंत, सबसे पहले मानसून कहाँ आ रहा था? यहाँ 1 जून के करीब आपका, ठीक है? और
दक्षिणी भारत में, और सबसे बाद में कहाँ आ रहा था, उत्तरी भारत में, 1 सितंबर, सॉरी जुलाई के पास, ठीक है, जुलाई में। और सबसे पहले खत्म कब हो रहा है, यहाँ देखिए आपका सितंबर में, सितंबर माह में आपका उत्तर भारत में आपका मानसून खत्म हो रहा है। और सबसे लास्ट में देखिए, जहां से शुरू हुआ था वहीं लास्ट में सबसे ज्यादा, सबसे बाद में खत्म हो रहा है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपकी वर्षा होती है। समझ में आया? और याद रखिए, वर्षा होने का सबसे मुख्य कारण क्या है, कि आपको पहले भी बता चुके हैं, राजस्थान में कोई वर्षा को रोकने वाला कारक नहीं है, इसलिए हवाएं क्या होती हैं, जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो सीधी निकल जाती हैं, वर्षा नहीं करती आपकी। और यहाँ मेघालय में मासिनराम में सबसे ज्यादा अधिक वर्षा होने का कारण है, यहाँ गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं, तो पहाड़ों से टकरा कर आपकी वर्षा, बादल रुक जाते हैं और वर्षा करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मानसून की वापसी पर, परिवर्तनीय मौसम के बारे में। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या फिर निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है, धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है, दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाता है इस समय तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगने लगता है। अक्टूबर के पैरों में मानसून अपने उत्तर के मैदान से हट जाती है। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं, इसमें स्थल अभी भी आर्द्र होते हैं। उच्च तापमान और आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है, इसे सामान्यतः कुहार की उमस के नाम से भी जानते हैं। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है, क्या होता है, तापमान तेजी से गिरने लगता है। और नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत की ऊपरी ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है, यह स्थानांतरित चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं, क्या होते हैं, विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट के अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। उड़ीसा की तरफ इस तरफ पूर्वी घाट तरफ आपका लौटते हुए मानसून से ही, यानी कि मानसून की जब वापसी होती है तभी वर्षा होती है इन क्षेत्रों में, ठीक, याद रखिए। मैम मैं देख लीजिए, यहाँ आप लोग, ये आपकी मौसमी वर्षा है जून से सितंबर माह की, यहाँ नीला है आपका 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले हैं, ये जहाँ ये क्षेत्र आपका, यहाँ देखिए 400 से ज्यादा सेंटीमीटर वर्षा होती है, यहाँ फिर आपकी 200 से 400 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, देखिए यहाँ भी आपकी 400 से अधिक वर्षा होती है, इस क्षेत्र में आपकी 200 से 400, ये आपका 100 से 200 के बीच में है, ये आपका 60 से 100 और ये आपका 46 से 60, देखिए ये आपका
वर्षा का वितरण। लक्षद्वीप सागर अंडमान और निकोबार द्वीप या कि बंगाल की खाड़ी होगी। जब वापसी होता है मानसून तब बंगाल की खाड़ी की कुछ शाखाएं इस तरफ आपकी वर्षा करा पाती हैं, ठीक है, लौटते हुए मानसून के कारण। वही आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है, इसके कारण अधिकतर वर्षा हमारे भारत में इसी के कारण होती है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून की। ये आप वार्षिक वर्षा की बात करें तो ये आपकी वार्षिक वर्षा है, पूर्वी पश्चिमी घाट पर 400 से अधिक सेंटीमीटर। ये आपका 200 से 400। देखिए मेघालय में यहाँ वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है मासिनराम में, यहाँ भी सबसे अधिक ऊपर 200 से 400। ये आपका 100 से 200 वाले क्षेत्र हैं, ये आपका 60 से 100 वाले हैं, ये आपका 40 से 60 और ये आपका 20 से 40 वाले क्षेत्र, ठीक है। अब बात करते हैं वर्षा का वितरण। मैप में आप लोग देख चुके हैं पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तरी पूर्वी भाग में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान इसके सटे पंजाब हरियाणा गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर मीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा यानी कि वर्षा की मात्रा काफी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम मध्यम रहती है, हिमपात हिमालयी क्षेत्र तक ही सीमित होता है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे राजस्थान गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के बिस्टि छाया प्रदेशों में अधिक वर्षा अधिक पाई जाती है, अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ अधिक आती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। मानसून एकता का परिचारक। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पौने से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तर भारत में निरंतर ऊर्जा तापमान बना रहता है, ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी कारण प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है ना ही अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतुओं की दशाएं ऋतु चक्र को एक लय प्रदान करती हैं। वर्षा की अनिश्चितता तथा उनका आसमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य इसके जीव तथा वनस्पति इसका कृषि चक्र मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव सभी इस मानसून लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रति वर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवन हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियां जो इन जलों को का संवहन करती हैं उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। तो ये था आपका चौथा अध्याय जलवायु। इसी से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए, इन्हें भी आप लोग देख लेना, ठीक है। और आपकी जो पीडीएफ थी वो टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिए। अगर टाइम मिलता है तो उससे पढ़ लें एक बार, फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सभी बुक्स जो जरूरी हैं आपके लिए उन्हें या तो प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए या फिर ऐसी जगह सेव कर लीजिए कि आपके पास हमेशा बनी रहे, ठीक है।
इससे क्या होता है कि आपके पास एक मटेरियल पड़ा रहता है। तो चलिए, ये था आपका चौथा चैप्टर। पांचवे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति तथा वन प्राणियों के बारे में।